हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ बनाएंगे। एक ये मैंने कार्डबोर्ड क्राफ्ट किया है जिसे आप मल्टीपर्पज़ किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला ये हमने रंगोली की तरह यूज़ किया है। अगर आपके पास दिवाली के टाइम पे टाइम नहीं है तो पहले ही बना के इसे रख सकते हैं रंगोली के तौर पर। ये हमने वॉल हैंग के तौर पर यूज़ किया है। इसे लाइटनिंग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये कोई भी आप शेल्फ पे से डेकोर बना सकते हैं या फिर किसी चीज़ का भी बैकड्रॉप। ये मैंने एक स्टैचू लगाया है, इसकी जगह आप कोई भी भगवान जी की कोई मूर्ति उर्ति लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जो है मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया और सर्कल उसकी मार्किंग कर ली। अब इस कार्डबोर्ड को है जो हम राउंड में काट लेंगे अच्छे से। डिटेलिंग नाइफ से काट रही हूँ, आप थर्माकोल कटर से भी काट सकते हैं। ये कट के हमारा तैयार हो गया है। फिनिशिंग कर लूँगी थोड़ा सा मैं इसकी। सैंड पेपरिंग करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अब मैंने जूट की रोप्स ली हैं। ये थोड़ी पतली होती है तो इसके लिए हम इसे पहले ऊपर गांठ लगा के इसे गूंथ लेंगे, थोड़ा थिकनेस बढ़ाने के लिए और टेक्सचर अच्छा करने के लिए। आपके पास मैक्रम की डोरी वगैरह कुछ भी अगर मोटी हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं थोड़ी सी जो जूट की डोरियां हैं वो कूद के तैयार कर लूँगी। हमारी कूद के तैयार हो गई है। लास्ट में मैंने नॉट लगा दी है लूज ना हो। ऐसे ही मैंने बहुत सारी जो है तैयार कर रखी है। अब हमें करना ये है कि जो हमारा कार्डबोर्ड है जो सेंटर मार्क करके ग्लू गन की हेल्प से अब हमें उसे पेस्ट करते जाना है राउंड करके। बस जो डिज़ाइनिंग है फ्लैट अगर हम पेस्ट करेंगे तो सब फ्लैट ही पेस्ट करेंगे, उठा हुआ पेस्ट करेंगे तो उठा हुआ। एक ही तरीके से हमें इसे राउंड करते हुए पेस्ट करते जाना है। ये हमारा सारा पेस्ट होके तैयार हो गया है। लास्ट में अच्छे से स्टिक कर देंगे जिससे कि हमारी जो ये रोप है वो निकले ना। देखिए कितना सुंदर टेक्सचर आया है इसका। जितना भी कार्डबोर्ड हमारा ये दिख रहा है उसे हम सीजर की हेल्प से काट लेंगे। मैंने इसके ऊपर पेंसिल से डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है और अब हम इसे एक्रेलिक कलर से कलर करेंगे। आप चाहें तो वाइट कलर से बेस कोट भी कर सकते हैं, कोई और कलर्स चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जो डिज़ाइन मैंने बनाया है उस हिसाब से हम कलर करेंगे। जूट जो है वो आपका एब्जॉर्ब करेगा कलर को। तो पहला कोट जो है वो मैं पोस्टर कलर से कर रही हूँ, उसके ऊपर फिनिशिंग टच देने के लिए एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं और पूरा एक्रेलिक से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं।
कलर्स थोड़े विजिबल कम थे तो मैंने उन्हें ब्राइट बना लिया है, वाइट मिला के दिखे ज़्यादा, जिससे कि ये कलर होके तैयार हो गया है, सूखने के लिए छोड़ दीजिए इसे। अब कलर के बाद हम इस पर ब्लैक से आउटलाइनिंग करेंगे, थोड़ा सा फिनिशिंग टच आ जाएगा उससे। ब्लैक आउटलाइनिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आप चाहें तो इसके ऊपर स्पार्कल जो है गोल्डन कलर की वो भी चला सकते हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर जो है गोल्डन कलर की एक डोरी जो है वो पेस्ट करूंगी, उससे एक हल्का सा शाइनिंग टच भी आएगा और इक्वल भी लगेगा। अगर आप स्पार्कल चलाने में एक्सपर्ट हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा उभरा हुआ पता चलेगा, ज़्यादा प्रोमिनेंट पता चलेगा वो। ये हमारा हो गया है और साइड्स में भी फिनिशिंग देने के लिए मैंने गोल्डन जो कोटा होता है वो लगाया है। आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं इसी तरीके की और वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए DIY के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।